बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जूजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है रियलमी के कुछ स्मार्टफोन्स जो हैं रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ रियलमी जो है अपनी सी की जो सीरीज है उसके तो पीछे ही पड़ गया है। जैसे कि आपको पता है रियलमी C3 लॉन्च हुआ है गेमिंग डिवाइस के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों रियलमी C11 जो है एक लो गेमिंग बजट वाला स्मार्टफोन जो है मार्केट में आ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा आउट सेलिंग डिवाइस भी है। लोग इस डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इस डिवाइस को। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है रियलमी C11 के बाद रियलमी C15 जो है डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो चुका था, और उसके बाद जो है अब रियलमी C12 जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। रियलमी की ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली दोस्तों गेमिंग सीरीज़ से जो है बिलोंग करती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस सीरीज़ में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें जो चिपसेट्स और जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बिगर देखने को मिल जाती है, और इस सीरीज़ की शेप जो है बिल्कुल सेम टू सेम ही रखी गई है। यहाँ पर आपको रियलमी C11, रियलमी C12 एंड रियलमी C15 जो है एक ही जैसी शेप में जो है देखने को मिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रियलमी C12 की आज की इस वीडियो में, और रियलमी C12 भी एक गेमिंग डिवाइस होने वाला है और एक सस्ता गेमिंग डिवाइस भी आप इसे कह सकते हैं। बेसिकली ये रियलमी C11 से थोड़ा अपग्रेड मॉडल है और हम इसे सक्सेसर कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो रियलमी C11 के लिए पीपल्स का जो रिस्पॉन्स देखा वो काफ़ी अच्छा था, लोगों ने इस डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम कोई वीडियो भी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लोगो डिज़ाइन को लेकर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियलमी C12 का भी आपको सेम टू सेम लोगो डिज़ाइन जो है रियलमी C11 और रियलमी C15 जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैक पर आपको जो है प्लास्टिक बॉडी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर गाइस जो है आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा जो है दिया जाएगा, एंड इस स्मार्टफोन में जो है आपको फिंगरप्रिंट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है C11 में फिंगरप्रिंट वाला फीचर नहीं है, लेकिन रियलमी C12 में आपको जो है फिंगरप्रिंट जो है दिया जाएगा, जो कि बैक पर ही माउंट किया गया है। फ्रंट को लेकर बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों जो फ्रंट का डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, एंड IPS LCD पैनल यहाँ पर यूज किया है। और यहाँ पर दोस्तों IPS LCD पैनल में हमें क्या पिक्सल्स देखने को मिले हैं इस डिवाइस में, तो 720x1560 की पिक्सल रेजोल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिली है, और 6.5 इंचेस का यहाँ पर जो है बिगर डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी, और बेजल्स यहाँ पर जो है मुझे थोड़े बड़े लगे हैं। यहाँ पर आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ एक काफ़ी अच्छा जो है मतलब डिसेंट सा लुक और डिजाइन इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। तो स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट रियलमी के UI के साथ जो है रन करेगा। यहाँ पर 3GB रैम एंड 32GB मेमोरी वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा। चिपसेट को लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है हीलियो मीडियाटेक का हीलियो D35 का चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.3 GHz ऑक्टा कोर के साथ फिट किया गया है। प्रोसेसर अच्छा है, चिपसेट भी अच्छा है, गेमिंग चिपसेट है, रैम भी यहाँ पर हमें जो है 3GB दी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस की 6000 mAh की बिगर बैटरी देखने को मिल रही है, साथ में 10W का फास्ट चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल रहा है। और फीचर्स हैं वो थोड़े थोड़े जो है यानी कि रियलमी C1 से थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो है अपग्रेड जो है किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये डिवाइस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं इस डिवाइस की प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। बेसिकली ये जो डिवाइस है ये इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना में जो है पहले लॉन्च होगा, और उसके बाद जो है रियलमी का ये कहना है पाकिस्तानी मार्केट्स और जो दूसरी मार्केट्स हैं उनमें ये जो स्मार्टफोन है ये थोड़े टाइम के बाद ही लॉन्च होगा। यानी कि ये स्मार्टफोन जो है आपको पाकिस्तान में सितंबर के एंड के महीने में जो देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन की प्राइस जो है वो काफ़ी एग्रेसिव रखी गई है, उसका रीज़न ये है कि स्मार्टफोन के फीचर्स अच्छे हैं। रियलमी C3 जो है 20,000 रुपये के बजट में हमें देखने को मिल जाता है, और रियलमी C12 की भी तकरीबन वही स्पेसिफिकेशंस हैं, एंड यहाँ पर ये जो डिवाइस है हमें तकरीबन 17 से 18 हज़ार रुपये के बजट में जो है पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये स्मार्टफोन जो है आपको कैसा लगा आपने जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।